रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है सेकंड ईयर बायोलॉजी का। आप ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है वो है पीसीआर। पीसीआर कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो एक बायोलॉजिस्ट कैरी बिल्यूलिस, इसमें फर्स्ट टाइम 1983 में पीसीआर को डिस्कवर किया था। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो पीसीआर इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस, कि ये जो पीसीआर होता है ये हेपेटाइटिस की शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द टेक्निक इन विच डीएनए इज कॉपीड मैनी टाइम बाय एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज इन ए टेस्ट ट्यूब, के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए की बहुत सारी कॉपियां तैयार की जाती हैं एक स्पेसिफिक एंजाइम्स की मदद से। उस एंजाइम्स का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। इस एंजाइम्स को इस्तेमाल करके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए की कॉपियां तैयार करना, इसको हम नाम देते हैं पीसीआर का। इसके बाद पीसीआर प्रोड्यूस मिलियंस कॉपीज ऑफ ए सिंगल जीन, के पीसीआर जो होता है एक सिंगल जीन्स की खरबों की तादाद में काफी तैयार करता है। पीसीआर इज ए फास्ट रिएक्शन, कि ये जो पीसीआर होता है ये तेज रफ्तार होता है, यानी कि लेस कंज्यूमिंग टाइमिंग होता है, यानी कि कम टाइम को कंज्यूम करके इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा तादाद के अंदर हमें डीएनए की कॉपियां तैयार करके देता है। इसके बाद अदर टेक्निक्स की बात करें इंस्टेड ऑफ पीसीआर, चाहे वो जीन सीक्वेंसिंग है हमारे पास या जीन क्लोनिंग है, ये जितने भी हमारे पास अदर टेक्निक्स होती हैं ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और दूसरा ये एक्सपेंसिव होते हैं, यानी महंगी तरीन भी होती हैं और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके बाद पीसीआर आर स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, कि ये जो पीसीआर होते हैं ये रिएक्शन के लिए मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इसके अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कैरी आउट डीएनए रेप्लिकेशन इन द सेल, एक सेल के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करके उससे बहुत सारी कॉपियां तैयार करना, वो डीएनए पॉलीमरेज का काम है। PCR is a chain of reaction, कि ये जो PCR होता है ये रिएक्शन का मजमुआ होता है, ये सिंगल रिएक्शन इसमें नहीं होता बल्कि मल्टीपल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए PCR। एक PCR के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसके बाद DNA polymerase carry out again and again, साथ जा रहे जब ये बार बार रिएक्शन के PCR जो होता है वो चेन की फॉर्म में पाया जाता है, मल्टीपल रिएक्शन होते हैं, तो इसलिए इसे बार बार रिपीट किया जाता है, यानी कि पीसीआर कैरी आउट रिएक्शन अगेन एंड अगेन, कि ये जो पीसीआर होता है ये डीएनए पॉलीमरेज की मदद से बार बार अपने रिएक्शन को क्या करता है, दोहराता है, रिपीट करता है। इसके बाद दूसरा जो मटेरियल है वो है हमारे पास प्राइमर डीएनए। ये जो प्राइमर डीएनए होता है यूज टू स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, कि ये जो प्राइमर डीएनए होता है ये किसी भी रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, कि जो डीएनए पॉलीमरेज था वो प्रोड्यूस थी कॉपीज ऑफ ए डीएनए, एक डीएनए की कॉपियां तैयार करना वो डीएनए पॉलीमरेज का काम है और रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना वो प्राइमर डीएनए का काम होता है। इसके बाद पीसीआर रिक्वायर ए स्पेसिफिक प्राइमर डीएनए, एक पीसीआर को प्राइमर डीएनए की जरूरत होती है, क्योंकि ये प्राइमर डीएनए ही होता है जो रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसके बाद प्राइमर डीएनए हैव 20
नेट्रोजीनियस बेसिस के एक प्राइमर डीएनए के अंदर 20 नेट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। दीज प्राइमर बैंड द नेट्रोजीनियस बेसिस विद द टारगेट डीएनए। ये जो प्राइमर होता है ये अपनी नेट्रोजीनियस बेसिस को टारगेट डीएनए की बेसिस के साथ अटैच कर देता है, बैंड के अंदर जोड़ देता है। जब जुड़ेगा तो एक हमारे पास डीएनए मॉडल बन जाता है, ये डीएनए का एक मॉडल है। इसके बाद तीसरा जो मटेरियल है वो है हमारे पास हाई टेम्परेचर। डीएनए पॉलीमरेज रिमूव आउट फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये एक बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया होता है ये टेम्परेचर लविंग होता है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज और थर्मोस्टेबल, कि ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये हमारे पास थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का मतलब है जितना भी इसको ज्यादा टेम्परेचर दे दे तो वो उस टेम्परेचर मतलब ये कैम डैम रहता है, कोई इसको नुकसान नहीं होता। और दीज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आर कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। जब ये डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल बन जाता है तो उस एंजाइम्स को टैग पॉलीमरेज का नाम दिया जाता है। डीएनए हाई एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये आपको दिखाया गया कि जब हम हाई टेम्परेचर देंगे डीएनए मॉडल को तो ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे और दोबारा डीएनए और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स दोबारा प्रोसेस को रिपीट करेगा और दोबारा स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी रेप्लिकेशन का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है पीसीआर मशीन। ये पीसीआर मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। इस ऑटोमेटिक मशीन के अंदर पीसीआर का प्रोसेस होता है और इसका दूसरा नाम पीसीआर मशीन इज आल्सो कॉल्ड थर्मोसाइक्लर, यानी कि पीसीआर डन इन द ऑटोमेटिक मशीन सच एज पीसीआर, कि ये जो पीसीआर का रिएक्शन होता है या प्रोसेस होता है वो पीसीआर मशीन के अंदर होता है और इसलिए इस पीसीआर मशीन का दूसरा नाम थर्मोसाइक्लर।